बेड़ो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सौमित शर्मा के दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते लोगों को देखा जा सकता है। सीएसएस के कार्यकर्ता जिन्होंने लोगों को दूरी बनाकर रहने के लिए कहा, वहीं बेड़ो अंचलाधिकारी अमृत खाका ने राशन वितरण का जायजा लिया। हमारे संवाददाता को बताया कि आज वैसे लोगों को जिनका राशन कार्ड है, 2 महीने का राशन दिया जा रहा है 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। हमारे संवाददाता ने जब पूछा कि वैसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, गरीब हैं, लॉकडाउन की वजह से जिन्हें राशन जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी राशन दिया जा रहा है या नहीं, अमृत काका ने बताया कि उनके लिए अंचल कार्यालय के द्वारा अलग से व्यवस्था की जाएगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि वैसे लोगों का किस प्रकार से चयन होगा, किनको राशन दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी विक्रेता, ठेला खोमचा वाले सबों के सामने पैसे की दिक्कत आ गई है। इनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। प्रशासन इनके घर की चूल्हा जलती रहे इसके लिए क्या व्यवस्था करती है। क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी पद्मश्री सीमोन उरांव ने भी राशन वितरण में मौजूद थे। दुकानदार सोमित शर्मा ने कहा, ज्यादा भीड़ ना हो इस कारण 40 से 50 लोगों को करके बुला रहे हैं और लोगों को राशन का वितरण कर रहे हैं। लॉकडाउन को देखते हुए 2 महीने का राशन लिया जा रहा है। सोना न्यूज बेड़ो से राज राय की रिपोर्ट। मैम, यहाँ जो ये राशन वितरण हो रहा है, किस तरह के लोगों को दिया जा रहा है? जिनका राशन कार्ड है उन्हीं को भी दिया जा रहा है, और जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनका अप्लाई किया है, वो लोग को बाद में दिया जाएगा। वैसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, हाँ, गरीब हैं, हाँ, और ये लॉकडाउन में उनके साथ भी बहुत तरह की मजबूरी है, तो उनके उनको राशन कहाँ से मिलेगा? उनको भी राशन मिलेगा, उसकी भी उसका क्रय करने का अलग से व्यवस्था हो रहा है। उन लोगों पर परिवार 10 kg के हिसाब से लोगों को दिया जाएगा। ये जन वितरण प्रणाली दुकानदार के तरफ से मिलेगा या ब्लॉक के तरफ से कुछ? अंचल कार्यालय से मिलेगा, उसका अलग से उसका व्यवस्था है। तो अभी जो ये वितरण हो रहा है, इसमें पैसा लिया जा रहा है? जो रेट है जैसे पहले होता था वही है, जो इसमें कुछ नया चीज नहीं है, बस यही है कि 2 महीने का दे रहा है ना, अभी 2 महीने का ही लोगों को दिया जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ जो आप लोग चावल का वितरण कर रहे हैं आज, तो कैसे कैसे लोगों को देना है? जिसका लाल कार्ड, जिसका पीला कार्ड है, उन लोग को हम लोग को 2 महीना का, अप्रैल और मई महीना का राशन हम लोग को देना है। और ऐसा है कि हम लोग को भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। एक बार में हम कोशिश कर रहे हैं कि 40 से 50 आदमी अपना लाइन से आवे, हम लोग उसका मार्का मारे हुए हैं, अगल बगल जहां भी जगह हम लोग है और छाया हुआ जगह जहां भी है वहां आदमी लोग बैठा हुआ है, एक एक करके आदमी आ रहा है, 2 महीना का राशन लेके जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको भी एक माने लॉकडाउन में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या वैसे लोगों को भी आप लोग राशन दे रहे हैं? नहीं, वैसे लोगों को हम लोग राशन तो हम लोग को तो आदेश नहीं है, ताकि हम लोग का तो जो अलॉटमेंट होता है वही माल मिलता है, उसके अलावा तो मिलेगा नहीं। हाँ, एक ऐसा आया है कि जो आदमी ऑनलाइन किया है और जो अगर उस लायक अगर है तो उसको हम लोग को सत्यापित करने के लिए दिया गया है, और वो ब्लॉक माध्यम से मेरे यहाँ 10 kg पैकेट बन के आएगा और हमको उसको पर कार्ड में 10 kg करके उसको देना है।